आजादी के 75 साल के बावजूद मध्य प्रदेश का एक ऐसा गांव है जहां आज तक ग्रामीणों ने अपने गांव में सड़क का मुंह तक नहीं देखा। इस दौरान बच्चों को ऐसी स्थिति में स्कूल जाने के लिए काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। जबकि प्रदेश में 15 सालों से बीजेपी की सरकार है और इस क्षेत्र से भी बीजेपी का प्रतिनिधि ही विधायक है, फिर भी गांव वालों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि प्रदेश में सरकार होने के बावजूद ग्रामीणों की मूलभूत आवश्यकताओं को ही नहीं पूरा कर पा रहे हैं, तो आखिर प्रदेश के मुख्यमंत्री किस प्रकार का विकास करके विकास पर्व मना रहे हैं। देवास जिले के खाती गांव में रहने वाले ग्रामीणों ने बताया कि बारिश में जब नदी उफान पर आती है तो कई दिनों तक पानी नहीं निकल पाता है, जिससे आवागमन बंद हो जाता है। ऐसे में किसी बीमार व्यक्ति को इलाज के लिए या फिर गर्भवती महिलाओं को प्रसव के लिए अस्पताल ले जाने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने बताया कि कई बार प्रसव के लिए महिलाओं को खाट पर ले जाना पड़ता है, जबकि देश को आजाद हुए 75 साल हो गए, लेकिन करोंद बुजुर्ग के क्षेत्र में रहने वाले लोग आज भी अपनी मूलभूत सुविधाओं से वंचित हैं। ग्रामीणों ने बताया कि हमने कई बार शासन प्रशासन के नुमाइंदों एवं जनप्रतिनिधियों को भी मौखिक एवं लिखित में बताया, लेकिन हम गरीबों की कहीं सुनवाई नहीं हुई। जबकि खातीगांव विधानसभा में लगातार भाजपा के विधायक होने और 15 वर्षों से प्रदेश में सरकार होने के बावजूद गांव की हालत जस की तस बनी हुई है। हमने एटीएम साहब को भी आवेदन दे दिए, तहसीलदार को भी आवेदन दे चुके हैं, सीओ मैडम को भी दे चुके हैं। हमारा ना चार मेला गर्भवती है, उनको डिलीवरी होने में वहाँ कुछ भी नहीं जा पाते, पलंग के ले जाकर हमने पानी में से गिरास करा, उसमें भी हमारी अभी तक कोई ने सुनवाई नहीं करी। उसके बाद में हमारे ये पानी भरने का कारण 8-4 दिन तक हम ना तो उधर जा पाते ना इधर जा पाते, कई किराना सामान भी नहीं ला पाते हैं हम। माननीय कलेक्टर महोदय को कहना चाहूंगा, एसडीएम साहब को कहना चाहूंगा, तहसीलदार महोदय को कहना चाहूंगा और जनपद सीओ को भी कहना चाहूंगा, क्योंकि जनपद सीओ को भी प्रस्ताव पंचायत से करके भिजवा दिया गया था कि इस रास्ते में इस तरह की समस्या और इसमें हमको हिसाब से प्रस्ताव किया गया इस रोड का कार्य कराया जाए। सभी शासन प्रशासन को संज्ञान में है और इसके बाद में भी अगर शासन प्रशासन किसी तरीके से टाला मटोर अगर करता है तो मैं मोहन पटेल उइके इस क्षेत्र का पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी हूँ और कहीं ना कहीं पार्टी से भी लुप्त हूँ। मैं आदिवासी समाज को लेकर के रोड पे आऊंगा और रोड चक्का जाम करूंगा। जब तक इन लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक आप वो जेल भेजेंगे, गोली मारेंगे, कुछ भी करेंगे, मैं रोड से नहीं हटूंगा, मेरा समाज को लेकर के रोड चक्का जाम। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।